नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप, और आज हम बात करेंगे बजीज विंटर फूड के बारे में। अभी लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था वो था पैरेट विंटर फूड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स थे कि भैया आप बजीज के बारे में बताएं, ओनली बजीज के बारे में कि उसको विंटर में कौन सा फूड दें, तो हम बताएंगे आपको। चलिए इससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बजीज जो है एक बहुत ही नाजुक पक्षी है। बजीज अगर थोड़ा सा भी आप ठंड अगर सर्दियों में केयर नहीं कर पाए तो मेरे साथ में ऐसा हो चुका है बहुत पहले कि रात में हम लोग सोए थे, वन पैर था, और सुबह उठ के देखे तो एक बजीज मरा हुआ था। फिर कुछ दिन बाद दूसरा भी मर गया, क्योंकि हमें केयर उस टाइम आता नहीं था। मैंने बिल्कुल ही उस टाइम पैरेट वैरेट भी नहीं रखा था कुछ भी, बजीज मैंने शौक से ही लाया था। वैसे इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे बचाया जाए। देखिए इसको क्या करना है, जो खाना में है सर्दी में, तो बाजरा एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा 12 महीना आप दे सकते हैं अपने बजीज को। बाजरा बजीज को, पैरेट्स को, मतलब पक्षियों को आप दे सकते हैं बाजरा। वैसे गर्म होता है ये, लेकिन आप इसको 12 महीने दे सकते हैं। बाजरा में आप कंगनी भी मिक्स कर लीजिए सर्दियों में, जैसे कंगनी भी गर्म होता है वैसे, लेकिन कंगनी और बाजरा नॉर्मल चीज़ है, इसको आप दे सकते हैं 12 महीना। तो कंगनी आप इसको मिक्स कर लीजिए, जितना बाजरा उतना कंगनी। कंगनी अगर आपको शॉप पे जहाँ से आप बर्ड्स लेकर के आए हैं वहाँ से मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप इसको अमेजन से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मिल जाता है। इसके अलावा आपको गर्म चीज़ में देना है इसको सूरजमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, जो आप पिक में देख रहे हैं, ये देना है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ना देना है कि वो आपको पैरेट आपका जो बर्ड है वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए। तो आपको कितना देना है, 10 से 12 बीज आपको रोज देना है। और फिर इसके अलावा आप दीजिए पालक। देखिए पालक जो है ये आपके बर्ड्स का जो हार्मोन्स है, जो ब्रीडिंग हार्मोन्स, इसको बढ़ाता है, इससे ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्रीडिंग में सहायक होता है। तो आप इस अपने ब्रीड बर्ड को ब्रीडिंग करवाने के लिए, ब्रीड करवाने के लिए भी ये चीज़ दीजिए। इसको आप गर्मियों में भी दे सकते हैं वीक में एक बार कम से कम, लेकिन सर्दी में आप वीक में दो बार आप दे सकते हैं पालक। वीक में दो बार दीजिए, आपको रोज़ रोज़ नहीं देना है पालक, वीक में दो बार दीजिए। गर्म भी होता है ये और सर्दी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है सनफ्लावर और पालक। तो ये देना है कच्चा पालक का पत्ता, ठीक है। उसके बाद में आप इसके अलावा अपने बर्ड को कॉर्न दे सकते हैं, भुट्टा जो थोड़ा कच्चा कच्चा सा रहता है, उस टाइम में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भुट्टा भी दे सकते हैं। सर्दियों में यही चीज़ इसको देना है। और अगर आप राइस देना चाहते हैं तो राइस आपको उबला हुआ राइस, आप जैसे पका के जो घर में खाते हैं राइस, कुछ भी उसमें मिलाना नहीं है, दाल सब्जी कुछ भी नहीं मिलाना है, बिल्कुल प्लेन राइस आपको देना है अगर आप देना चाहें तो। और या तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप राइस नहीं भी दे सकते हैं। जो सीड्स मैंने बताया, पालक है आपका, पालक हो गया, उसके बाद में कंगनी हो गया, बाजरा हो गया, भुट्टा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देने हैं सर्दियों में, और आपका बर्ड बिल्कुल सेफ रहेगा सर्दी में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। और मॉर्निंग टाइम में हो सकता है तो थोड़ा, अगर आपके बालकनी वगैरह में धूप आता है तो धूप में अपने बर्ड को रखिए, बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप में नहीं रखना है, नॉर्मल जो धूप आता है सुबह के टाइम में उसमें रखिए। और रात के टाइम में इसको आप कुछ चादर वगैरह इसके केज के ऊपर में रख दीजिए कि कवर रहे और ठंड से बचा रहे, बाकी सब सेफ है। और अगर आप गर्म चीज़ खाने को देते हैं तो सर्दी उतना असर नहीं करता आपके बर्ड के ऊपर में, अगर आप कवर नहीं भी करते हैं तो। तो यही था आपके बजीज का जो क्या फीड करवाना है आपको सर्दी में। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रखे हैं, स्पेशल स्पेशल वीडियो जाने वाले हैं, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।